नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी को कैसे क्विट कर सकते हो, यानी आप पबजी खेलना कैसे छोड़ सकते हो बहुत ही जल्द। एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप बहुत जल्द छोड़ पाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन बहुत जल्द आप छोड़ पाओगे। तो गाइस वीडियो देखते रहो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू करते हैं गाइस। हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गेम्स के बारे में। हम नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, जैसे हमने कैंडी क्रश खेली, हमने वो खेली, क्या कहते हैं, डॉक्टर ड्राइविंग खेली, वो तो बहुत पहले खेलते हैं, लेकिन अभी बहुत लोग खेलते हैं। सो गाइस, इसमें मेन रीजन ये होता है कि आप लोग सिर्फ अपने सिंगल प्लेयर खेलते हो, ठीक है। लेकिन गाइस, जो ये पबजी है, ये गाइस मल्टीप्लेयर गेम है, यानी ये ग्लोबल वर्ल्ड गेम है, ओपन वर्ल्ड गेम जिसको बोला जाता है। यानी हम ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी बंदे से खेल सकते हैं, चाहे आप दिल्ली में रहते हो और आप चाहे यूएस के बंदे के साथ खेल सकते हो। सो गाइस, यहाँ ये जो बहुत ही बड़ी एडवांटेज देती है कि भाई जो बंदे होते हैं, जैसे होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो कैसे हमें, जैसे हम क्या होते हैं यार, नॉर्मल गेम खेल रहे हैं भाई। अगर आपने नोटिस करा होगा, जब आप वाई सिटी खेलते हो, अगर आप 2 घंटे वाई सिटी या सैन एंड्रियास खेलोगे तो आप एक टाइम पे बोर हो जाओगे। लेकिन गाइस, अगर आप यहाँ पे किसी दोस्त से बात करते हुए खेलोगे ऑनलाइन, या फिर चैट करते हुए खेलोगे और वॉइस चैट, तो कैसे आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगेगी। तो कैसे यही पबजी ने सबसे पहला जो अपना वो लिया है, वो ये है गाइस। देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप बात करते करते किसी के साथ गेम खेलते हो, तो कैसे ये बहुत ही ज़्यादा एक एडिक्शन टाइप बनाया था कि हाँ, वे रिलेशन बन जाता है गेम के साथ, कि बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है। उसके बाद गए जो सेकंड चीज है, वो है हमारी जो पबजी है। पबजी भी यार बहुत, जो डेवलपर्स होते हैं पबजी वाले, जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने बनाई है, वो उन्होंने भाई बहुत ही ज्यादा दिमाग चलाया भाई, हमसे 10 गुना आगे है वो। क्यों गए? देखो, जो पबजी ने बनाया है, उस गेम में गाइस आपको हर चीज देखने मिलेगी, चाहे आपको सिंगल फाइट करनी हो, चाहे आपको डुओ फाइट करनी हो, चाहे आपको स्क्वाड फाइट करनी हो। एंड गाइस, आप वेपन्स, आपको ऑल जो सारे वेपन्स होते हैं वो देखने मिलेंगे। बस यहाँ पे आपको एक हेलीकॉप्टर नहीं देखने मिलता, वो भी अपडेट में आ जाएगा। लेकिन गाइस, आपको सारे कार, बाइक, बस, जो भी आपको देखने मिलता है, सारे आप बस के भी मजे ले सकते हो। अगर आपको स्विमिंग करनी है, स्विमिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। कुछ लोगों को मजा आता है सिर्फ गाड़ियों के गेम खेलने में, तो भाई वो पबजी भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि बस आप पबजी मत खेलो, क्या उसमें गाड़ियाँ नहीं। तो भाई ये वाली पबजी जो है ना, ये जो पबजी के डेवलपर्स हैं, उन्होंने यहाँ एक प्लस पॉइंट ये भी हमारा पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं, देखो हम पबजी स्टार्टिंग में चालू करते हैं, हमने इंस्टॉल करी, उसके बाद भाई पबजी वाले इतने तेज होते हैं, जानबूझ के बॉट्स भेजेगी। बॉट्स होते हैं जो पबजी के बनाए हुए, यानी सिस्टम, एकदम मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो सिस्टम बॉट होते हैं। यानी जो सिस्टम वो खुद की तरफ से भेजते हैं, कोई वो इंसान नहीं होते, कोई प्लेयर्स नहीं होते, वो एक सॉफ्टवेयर टाइप होता है, इतना समझ लो आप, ठीक है। तो वो खेलते हैं, वो बस आपको एक बुलेट मारेंगे, उससे आपको कुछ भी नहीं होगा। एंड देन आप जब देख लोगे कि आपको भाई बंदा दिख जाएगा, तो आप उसको मारोगे पक्का। तो बस आप ऐसे करते करते, यानी आपको इंटरेस्ट दिलाते गेम में, और आपकी जो वो है ना इंटरेस्ट, आप उसमें ज्यादा लगाने लग जाते हो। तो यही होता है, ये मेरे साथ हुआ है। एंड देन फिर आप उसके बाद एडिक्टिव हो जाते हो उस गेम के, जो मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। तो यही आपके साथ होता है, ये नॉर्मल चाहे आपके साथ, सबके साथ यही होता है, ठीक है। उसके बाद भाई जो सबसे बड़ी जो हमारी चीज है, वो ये है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा पैसे भी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रॉयल पासिस देखने मिलते हैं, वो लोग खरीदते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अपने पापा के वॉलेट से ले लिए, अपने मम्मी के वॉलेट से ले लिए, अपने वॉलेट से ले लिए, उनको पॉकेट मनी भी नहीं है। तो गाइस ये वेस्ट कर रहे हैं पैसा भाई, बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं भाई। रॉयल पास पे तो पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको पबजी खेलनी है, आपको मेहनत करनी है, तो आप भाई अपनी मेहनत से लो, और अपनी मेहनत से यानी आरपी बढ़ाओ, तब जाके लो, ठीक है। वो एक मैं आउट ऑफ द पॉइंट जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना जो मेन चीज है गाइस। अब यहाँ पे पबजी मैं सोचता था कि यार पबजी मैं छोड़ दूंगा भाई, आज से मैं छोड़ दूंगा, मेरे एग्जाम्स भी चालू हो रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन गाइस भाई, वो ही पबजी वाले इतने तेज होते हैं यार, कि जैसी डेली की डेली न्यू मिशन आते रहते हैं। ये सबसे बड़ी जो चीज है पबजी ना छोड़ने की, जो सब टीनेजर्स करते हैं, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे कितनी भी एज का हो, टीनेजर्स ज्यादातर करते हैं, जैसे मेरी एज के हो गए। सो गाइस, ये जो ऐसे अगर आप सोचोगे कि आज मैं छोड़ दूंगा, लेकिन गाइस आप नहीं क्विट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें नए नए मिशन आते रहते हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, वो आप कर सकते हो। तो बस वही आप करते हो, वो आप सोचते हो कि आज ये मिशन कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, फिर एक नया आता, फिर आप खुद हो, फिर ये छोड़ दूंगा, फिर एक कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा। तो ऐसे करते करते आप भाई एडिक्टिव हो जाते हो उस गेम की तरफ, एंड आप बस हर वक्त ही अपने आज में पबजी दिखते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके भी एडिक्टिव हो चुके हैं, जैसे कहीं से भी आए, काम से आए, स्कूल से आए, कॉलेज से आए, आती यार बस पबजी उठा ली, जैसे मैं उठाता हूँ, आती बस पबजी उठा ली। गाइस अगर आप यार ये चीज अगर आप क्विट करना चाहते हो, तो भाई आप ये चीज मत करो, आप 10 दिन आप कोई और काम करो। अगर आप जैसे पबजी खेलते हो, तो 10 दिन आप जाके अपना
स्कूल के, मैं स्कूल के बात कर रहा हूँ, तो गैस अगर 10 दिन जाके आप अपने ड्रेस को देख लो, अपने कॉपीज को देख लो, अपने बैट को देख लो, गाड़ी को देख लो, स्कूटी को देख लो, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से। आप 10 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, 20 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा पबजी क्या चीज़ है, आपकी हैबिट है ना वो ब्रेक हो जाएगी बीच में। तो हैबिट, जब किसी भी चीज़ की हैबिट बन जाती है तो आप एडिक्टिव बहुत जल्दी हो जाते हो। तो यही चीज़ है, बस आपको एक हैबिट तोड़नी है। जैसे मेरे को हैबिट है, मैं जैसे स्कूल से आता हूँ वैसे लग जाता हूँ, मेरे को भी ये चीज़ तोड़नी है भाई, नहीं टूट रही बिल्कुल। जैसे आपके होता है ना यार, तो भाई बस छोड़ दो जैसे हो सकता है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा एडिक्ट गेम है। मैं नहीं कह रहा बेकार गेम है, बहुत ही अच्छी गेम है, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, लेकिन ये है कि बंदे टाइम पास हो जाता है, फ्रेश भी हो जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है, अगर आपको खेलने में मन करता है पबजी का, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, तो आप सोचते हो कि चलो यार बैट बॉल खेलता हूँ, तो उसके लिए आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आप बाहर जा रहे हो, आपको पेट्रोल का खर्चा, फिर खाने पीने का खर्चा, फिर आपको जो आपकी कॉस्ट्यूम है इन सब का खर्चा। लेकिन गाइस यहाँ पबजी में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपने फ़ोन उठाया, नेट ऑन कराओ, भाई लग गए अपनी गेम खेलने में। तो यहाँ पे आपको, आप यानी जितने भी बंदे, जब से पबजी आई है ना, मैं देख रहा हूँ भाई हर फेस्टिवल्स पे, ये जो भी ओकेजन्स होते हैं उन पे यार जो बंदे होते हैं, जैसे टीनेजर्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, वो सारे ना ज़्यादातर नहीं निकलते बाहर भाई, वो इंडोर्स गेम खेलते हैं, यानी फ़ोन में खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कभी फोर्टनाइट खेल रहे हैं, तो ये सब गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो यार यही कहूँगा यार, इन द एंड बस आप यही जो मैंने आपको बताया ना, तो आप बस आप अपने जैसे हैबिट ब्रेक कर दो, चाहे आप जो भी करते हो, चाहे स्कूल से आगे, कॉलेज से आगे, घर ट्यूशन से आगे, कहीं से भी करते हो, वो उसको ब्रेक कर दोगे, गारंटी दे सकता हूँ आप पबजी बहुत जल्दी भूल जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे में 2 घंटे में भूल जाओगे, सिर्फ आप जो है 1 से 1.5 महीने लगेगा और बहुत जल्दी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो यही था यार, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर कर दो भाई दबा के, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।